जय हिंद दोस्तों, सबको राम राम मेरी तरफ से। दोस्तों आज की कुछ मेरी माता भाई बहनों ने कमेंट किया है, बोले कि भैया हमको जो है कि फर्स्ट गियर में, सेकंड गियर में, थर्ड गियर में भैया गाड़ी चलने में चला के उसको रोकना कैसे है। मान लो कुछ आगे आ गया, कुछ स्पीड ब्रेकर आ गया, कुछ खड्डा आ गया, वहां हमको गाड़ी स्टॉप करनी है, तो कैसे करनी है गाड़ी स्टॉप। तो इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों वीडियो में। बिल्कुल ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटी सी बनाऊंगा, शुद्ध हिंदी में बताऊंगा जो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं है, ठीक है, ध्यान देना, बस बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है दोस्तों। दोस्तों पहली बात तो मैंने फर्स्ट गियर में लगाया। अब मैं जा रहा हूँ गाड़ी लेके फर्स्ट गियर में, गाड़ी मेरी रन कर रही है, आगे सामने देख रहे हैं गाड़ी चल रही है। मैंने क्या किया, क्लच दबाया, सेकंड गियर डाल दिया। अब देखो दोस्तों, ये दोनों गियर जो है ना, ये है छोटे गियर, इनमें गाड़ी आप कितना भी हो सकता है कभी भगा नहीं सकते, 20 के ऊपर गाड़ी लेके जा ही नहीं सकते। अगर आप 20 के 30 के ऊपर लेके जाओगे गाड़ी, तो गाड़ी बहुत शोर शराबा करेगी, हल्ला करेगी, पीछे साइलेंसर से आवाज ज्यादा करेगी और गाड़ी भागेगी कम। इस कंडीशन में क्या है, सबको पता कि अगर गाड़ी धीरे रहती है तो क्या है, गाड़ी आपकी धीरे रहेगी और आपको ब्रेक मारनी है। जब भी कुछ आगे खड्डा आ जाए, कुछ स्पीड ब्रेकर आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपने कुछ नहीं करना। अगर आप चाहते हो कि मैं गाड़ी यहां रोकूं, तो आपने दोस्तों क्या करना है, अगर आप रोकना चाहते हो तो गाड़ी को सीधा पहले गियर में ले आओ, पांचवे गियर से लाने का तरीका, पांचवे गियर पे गाड़ी है, सीधा उसको ब्रेक मारो, उसके बाद क्लच दबाओ धीरे से और गाड़ी को बिल्कुल स्लो कर लो, ठीक है। गाड़ी स्लो हो गई, उसके बाद आप सीधा उसको डायरेक्ट पहले गियर पे ला दो। अगर आप चाहते हो कि जैसे मैं, ये खड्डा हल्का सा जंप है जहाँ स्पीड ब्रेकर है, इसको मैं चलती हुई कार से क्रॉस कर लूँ, तो क्या करना, आप चौथे गियर में गाड़ी है, नीचे को लगा हुआ है चौथा गियर, कुछ नहीं करना दोस्तों। आपने क्या करना है, क्लच दबाना है, चौथे गियर में है, सॉरी, आपने ब्रेक दबानी है। ब्रेक हमने दबाई, हल्का कार धीरे कर ली, कार धीरे हो गई, उसके बाद आपने क्या करना है, सीधा सेकंड गियर में ले आए, कार को सेकंड गियर में ले आए। अगर आपको लगता है कि सेकंड गियर में कब कार लानी है, जब आपको लग रहा है कि मैं धीरे से स्पीड ब्रेकर को पार करना है, मतलब कि धीरे से उसको स्पीड ब्रेकर में क्रॉस कर लूंगा। अगर आपने गाड़ी को रोकना है वहां, अगर बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है तो पहले गियर में लाओ, अगर नॉर्मल स्पीड ब्रेकर या कुछ ऐसा जंप या कुछ ऐसा कुछ बना हुआ है, तो आप सीधा सेकंड गियर पे लेके उसको ब्रेक मारो पहले, और ब्रेक मारो छोटे गियर में ले आओ पहले और दूसरे गियर में ले आओ, और धीरे धीरे क्लच, हाफ क्लच छोड़ते हुए क्रॉस कर लो, ठीक है। और दूसरी बात, एक और बात बताता हूँ, अगर दोस्तों देखो, आपने ब्रेक मारने का तरीका मैं बता देता हूँ, बहुत आसान तरीका है। अगर आप छोटे गियर में हैं, पहले और दूसरे गियर में हैं, किसी से नहीं पूछना, कुछ भी बोलता है तो दोस्तों आपने उसको नहीं मानना है, ठीक है। गुरु एक बनाओ, चाहे वो डुबा दे आपको, चाहे वो तैरा दे, गुरु एक बनाओ। 2, 4 गुरु, 50 गुरु नहीं बनाने दोस्तों, कभी भी जीवन में लक्ष्य एक बनाओ, गुरु एक बनाओ। चाहे मेरी वीडियो देखो, चाहे किसी की भी देखो, आपको वो डुबाए चाहे वो तैराए, ठीक है, वो गुरु के हाथ में है। आपने सिर्फ एक गुरु बनाना है, अगर आपको लगता है कि ये बंदा ठीक बता रहा है। आपने क्या करना है दोस्तों, फर्स्ट गियर में और सेकंड गियर में कोई बोले कैसे भी, मैं नहीं इस चीज को मानता, ठीक है दोस्तों। आपने सीधा कुछ नहीं करना, क्लच दबाना है और ब्रेक प्रेस करनी है। क्या करना है, ये लिया क्लच दबाया, ब्रेक प्रेस कर दी, ठीक है, ब्रेक प्रेस करना है। अगर दोस्तों तीसरे और चौथे और पांचवें गियर में गाड़ी है, तीसरा चौथा पांचवा छठा गियर, छठे गियर तक अगर गाड़ी है आपकी, स्पीड में गाड़ी रहती है, उस कंडीशन में आपने क्लच नहीं दबाना। अगर क्लच दबाओगे तो इंजन का कनेक्शन टूट जाएगा ब्रेक के साथ और गाड़ी और तेज हो जाएगी, ठीक है, इसलिए आपने क्लच नहीं दबाना 3, 4 और 5 नंबर गियर, 6 नंबर गियर तक, ठीक है, जितने हैवी गियर उसमें क्लच नहीं दबाना, पहले ब्रेक दबानी है। जैसे गाड़ी धीरे हो जाए ब्रेक दबा के रखनी है, धीरे 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 दबाते अगर धीरे हो जाती है गाड़ी, बहुत धीरे हो जाती है, तब आपने जाके दोस्तों क्या करना है, ब्रेक को दबा, इसको क्लच दबाना है, ठीक है,
क्लच दबाना है कि गाड़ी मेरी बंद ना हो। बाकी छोटे गियरों में दोस्तों हमेशा जो गाड़ी है वो पहले आप क्लच दबाओ और ब्रेक मारो, ठीक है दोस्तों, क्योंकि छोटे गियर में गाड़ी तेज तो होती नहीं और क्लच दबाने से कोई ज्यादा नुकसान नहीं है, ठीक है। ये भी नहीं कि हर बार क्लच नहीं दबाना, उससे क्लच प्लेट खराब भी हो जाएगी आपकी, ठीक है। जितना हो सके कम आपने क्लच ब्रेक का क्लच का इस्तेमाल करना है, ठीक है। मैं बताया कि पहला गियर और दूसरा गियर छोटे गियर होते हैं, इसमें गाड़ी भागती नहीं है ज्यादा, ठीक है, गाड़ी ज्यादा भाग नहीं सकती आपकी, गाड़ी नॉर्मल स्पीड में रहती है। उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, क्लच दबा के ब्रेक ले सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर छोटे गियर में गाड़ी है आपकी, अगर सीधा ब्रेक दबाओगे ना दोस्तों तो आपकी गाड़ी जो है बंद हो जाएगी, ठीक है, इसलिए क्लच दबा के ब्रेक दबाओ, ठीक है। अगर हैवी गियर में है, तीन चार पाँच छः गियर में अगर गाड़ी है, तो आप दोस्तों उसमें उस कंडीशन में आप क्या है कि पहले ब्रेक दबाओ, गाड़ी जब धीरे हो जाए उसके बाद आप क्लच दबाओ। जब आप गाड़ी एकदम स्लो हो जाए, आपको लगे कि अब बंद होने वाली है, उस समय क्लच दबा लो, ठीक है दोस्तों। सबसे बढ़िया तरीका है ये, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, सबसे बढ़िया मैंने तरीका बता दिया कि अगर आपके पास सामने कोई जंप वगैरह आ गया, खड्डा आ गया, तो उस कंडीशन में आपने क्या करना, गाड़ी को पहले धीरे कर लो। अगर आपने गाड़ी रोकनी है तो पहले गियर में ले आओ, अगर चलती हुई हालात में क्रॉस करना उसको हल्का धीरे धीरे करके तो सेकंड गियर पे ले आओ, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो मेरे भाइयों बहनों का जिनका कमेंट था, मैंने उनका रिप्लाई दे दिया, ठीक है, उनके कमेंट का रिप्लाई दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।